नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताई थी मैक्सिमस के बारे में, खास करके उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइमल के बारे में। आज मैं बात करूंगा ऑप्टिमस प्राइमल के राइट हैंड यानी कि उनके सबसे खास और चहेते रोबोट की, और वो है चीटोर। जैसे बम्बलबी ऑप्टिमस प्राइम के सबसे करीब हैं, वैसे ही चीटोर हैं प्राइमल के सबसे करीब। चीटोर पहली बार 90s के बीस्ट वॉर शो में दिखे थे और बहुत जल्द काफी लोकप्रिय हो गए थे। जैसे ही ऑप्टिमस प्राइमल गुरेला में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसे ही चीटोर, और उनके नाम से ही पता चलता है कि वो चीता में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बीस्ट वॉर शो में चीटोर एक यंग रोबोट है जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि एक जिम्मेदार वीर योद्धा बनने की क्षमता या पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन कभी कभी यही बात उनको सताती है और इसी की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन जब भी बारी आती युद्ध लड़ने की, चीटोर प्रेडाकॉन से डटकर मुकाबला करते हैं। बीस्ट वॉर सीरीज के बाद शुरू होती है बीस्ट मशीन्स, और उस कहानी में चीटोर मैक्सिमल्स के लीडर भी बनते हैं जब ऑप्टिमस प्राइमल कुछ गलत निर्णय ले बैठते हैं। जब प्राइमल को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो चीटोर की तरफ और भी आदर और सम्मानजनक देखते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि चीटोर अभी एक अच्छे योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही समझदार रोबोट बन चुके हैं। My fault. I never should have brought him on the mission in the first place. We should cut him loose before he gets us all slagged. We don't abandon our friends. We'll just have to cover for him, at least until Optimus regains his strength. Optimus Primal के चले जाने के बाद चीटोर ही Maximals टीम के लीडर बन जाते हैं और साइबरट्रॉन को एक नई राह की तरफ लेकर जाते हैं। काफी सालों बाद चीटोर क्रॉस डिमेंशनल युद्ध का भी हिस्सा बनते हैं और एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, इस बार यूनिक्रॉन के खिलाफ। कॉमिक्स में कुछ 300-400 साल बाद चीटोर फ्यूचर में साइबरट्रॉन के स्पिरिचुअल लीडर भी बनते हैं अल्फा ट्राइजर के नाम से। तो ये थी चीटोर पर एक शॉर्ट हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तब एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले हफ्ते हम एक नया रिव्यू ला रहे हैं और उसके साथ साथ हम इस मिनी सीरीज को भी जारी रखेंगे एक और नए मैक्सिमल कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, कलेक्ट करें और हम बहुत जल्द मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।